हेलो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बैगन और पालक की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाना देखेंगे। तो उसके लिए ये हमने पालक और बैगन को अच्छे से धोकर साफ करके ले लिया है। तो पालक और बैगन को हम काट लेंगे। इस तरह से हमने बैगन को लंबे और पतले पीसेस में काट कर ले लिया है और पालक को भी बारीक कट कर ले लिया है हमने। एक आलू को हमने लंबे और पतले पीसेस में काट कर ले लिया है। एक छोटे साइज का प्याज बारीक काट कर लिया है। दो हरी मिर्च बीच में से काट कर लिया है। दो सूखी हुई लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच पचफोरन और एक चम्मच लहसुन और अदरक को बारीक पीसेस में काट कर ले लिए हैं। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में हमने दो बड़े चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रखा है। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले हम कटे हुए बैगन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा नमक को स्प्रिंकल करेंगे जिससे बैगन हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर भी डालेंगे इसमें। बैगन को हल्का सा फ्राई करने से बैगन की सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। बैगन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। बैगन को निकालकर कढ़ाई में हमने एक चम्मच तेल को गर्म होने के लिए डाला है। इसमें हम कटे हुए आलूओं को भी डाल के फ्राई कर लेंगे। आंच को हम मीडियम पे रखेंगे जिससे कि आलू अच्छे से पक जाए। आलू हमारे अंदर तक पक गए हैं, तो आलूओं को भी निकाल लेंगे। आलूओं को फ्राई करके निकाल लिया है। कढ़ाई में भी तेल बचा हुआ है, तो हमें इसमें तेल डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कम तेल लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तेल गर्म है तो इसमें हम पचफोरन डालेंगे। पचफोरन हमारा चटक गया है तो इसमें हींग पाउडर डालेंगे और सूखी हुई लाल मिर्च। इसमें हम कटे हुए प्याज को भी अब डाल देंगे। प्याज को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हल्का सा कलर चेंज नहीं करने लगता। प्याज का कलर अब चेंज होने लगा है। इसमें हम अदरक और लहसुन डाल देंगे और अदरक लहसुन को भी कच्चापन खत्म होने तक भून लेंगे प्याज के साथ। अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गया है प्याज के साथ। इसमें हम कटे हुए पालक को ऐड करेंगे। पालक डालने के साथ साथ ही इसमें हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून या स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने की वजह से पालक हमारा बहुत ही जल्दी से गल जाएगा। लगभग 1 मिनट के अंदर ही आप देख सकते हैं पालक हमारा एकदम गल गया। तो इसमें हम मसालों को भी ऐड करेंगे। अब सबसे पहले इसमें हम आधा चम्मच बेसन डालेंगे और बेसन को डाल के अच्छे से पालक में मिक्स कर लेंगे। बेसन को मिक्स करने के बाद इसमें हम मसालों को भी ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच पानी डालेंगे। मसाले को हम थोड़ी देर तक पका लेंगे। मसाला और पालक अच्छे से पक गया है। मीडियम आंच पे हमने इसको 5 मिनट तक इस तरह से पका लिया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए बैगन और आलू को डाल देंगे, साथ में कटे हुए हरी मिर्चों को भी डाल देंगे और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच कितना हम पानी इसमें और ऐड करेंगे।
सब्जी में आप बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे कि सारे मसाले बैंगन में और आलू में अच्छे से मिल जाएं। इसमें हम थोड़ा सा हरी धनिया का पत्ता डालेंगे, ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ना डालें। सब्जी को मिला लेंगे। इस तरह से हमारा बहुत ही आसान और परफेक्ट बैंगन की सब्जी बनके तैयार है। इसे आप रोटी, पूरी या फिर पराठे के साथ सर्व करें। अगर आपको बैंगन पालक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।